मामला हमारे यहाँ यह है, विगत 100 वर्षों से अधिक से ये रास्ता जो है चल रही है और इंटरलॉकिंग भी सी हुई है, लेकिन इंटरलॉकिंग के आगे जो है किसी की बाग है या क्या है कैसे है मुझे नहीं मालूम है, वहीं से जहाँ से इंटरलॉकिंग समाप्त हो रही है वहाँ पे गड्ढा खोद दिया गया है, जेसीबी से गड्ढा खोदवा दिया गया है, जिससे पूरे ग्राम वासियों की समस्या बन गई है। रास्ते के लिए आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए कोई मकान बनवाता है उसके लिए भी आवागमन में दिक्कत, न उसका जो है मटेरियल पहुँच पा रहा, मान लीजिए किसी की डिलीवरी होती है या कोई बात होती है तो नहीं एम्बुलेंस गांव तक पहुंच पाती है। इसीलिए जो है हम लोग जो है अपने जो है उच्च अधिकारी के पास आए हैं, इसका निराकरण कर दें। ये पूरे नगरडीह ग्राम पंचायत जो प्रॉपर नगरडीह है, पूरे ग्राम पंचायत का मामला है, जहां से हमारा पिच रोड से हमारा संपर्क मार्ग अटैच होता है पूरे नगरडीह का, तो वहाँ से कुछ भूमिधरी है गाँव पहुँचने के लिए, कुछ ग्राम सभा है, ग्राम सभा में ऑलरेडी इंटरलॉकिंग बन चुकी है और जो भूमिधरी है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, उसमें जो है बारी बारी से दो चार लोग का है, मेरा भी है उसमें भूमधरी, तो एक भूमधरी व्यक्ति जो 100 वर्षों से लगातार उसी रास्ते से लोग आवागमन कर रहे हैं, नियर अबाउट 2500 यानी कि 2500 से 3000 लोग आवागमन करते हैं, तो वो एक ठाकुर साहब हैं, उन्होंने खोद दिया है पूरा खड्डा बना दिया, खड्डे बनाकर इतना बाधित कर दिया है रास्ते को कि ना तो बाइक जा सकती है, ना जो है आपका साइकिल जा सकता है, ना मोटर बाइक, मतलब कुछ भी नहीं जा सकता है। स्थिति इतनी बद से बदतर है कि एम्बुलेंस या तो 100 नंबर जो डायल 100 है, मतलब कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती। यदि ये बात झूठ निकलती है तो डायल 100 वालों से पूछा जाए, एम्बुलेंस वालों से पूछा जाए या किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि नगरडीह ग्राम पंचायत में वर्तमान में कोई सहायता पहुँच सकती है, नहीं पहुँच सकती। उसका बस एक कारण है जो उन्होंने खड्डा बनाया हुआ है, वो प्रमुख कारण है। नेक द्वारा AA+ सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशन के लिए संपर्क करें